सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महात्मा छविनाथ यादव, गांव सभा से। मेरा ये क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यह है कि हम इसमें कई बार धरना प्रदर्शन भी दिए हैं चकिया में। हाँ। इसके लिए अलग से गोविंदीपुर शाखा माइनर जो निकली है कर्मासा नदी से। हाँ। इसके लिए धरना किया। हाँ। आदेश हुआ। हाँ। लोग बोले कि पैसा पेमेंट होने पर तुरंत काम लगा देंगे, या 3 साल हो गया। हाँ। 2.5 साल अभी कुछ कार्रवाई नहीं। किसान इतना परेशान है, परेशानी की वजह आप देख रहे हैं कि JCB लगाकर स्वतः पैसा अपने पैसा लगाकर चंदा से सफाई हो रही है। खेती पिछड़ चुकी है। समस्या यह है, सरकार की स्थिति यह है। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला था जहाँ जहाँ आपने आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन यही मिला कि बजट के लिए भेज दिए हैं, है? अब मिलते ही काम शुरू कर देंगे। तो बताइए, 2-3 साल हो गया, उसकी कॉपी हमारे पास है मौके पर, यदि इच्छा हो तो मैं अभी दूं। ठीक है, कोई बात। सागवन ब्लॉक में सिमरा ग्राम सभा है, वहाँ 1 किलोमीटर के लगभग का नहर का सफाई किसान खुद करा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन लोगों ने जिला प्रशासन से काफ़ी गुहार लगाया, SDM BDO सब जगह, कोई सुनवाई नहीं हुई और उन लोग खुद सफाई करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लापरवाही इसमें है सर? नहीं, इसमें जो जितने भी नहर हैं उन सबके सील सफाई अभियान चला करके DM साहब ने करवाया और फिर SDM साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उसकी जांच भी कराया। अभी हमने एक्सचेंज चंद्रवा से जानकारी ली है तो वो बता रहे कि कर्मासा लेफ्ट पर किस सफाई हो गई थी, अब क्या प्रॉब्लम है इसको देख करके हम जांच कराते हैं, फिर उसको तुरंत मनरेगा कराते हैं। लगभग सर 1 किलोमीटर का नहर है और करीब 25,000 रुपये लागत है, लोग किसान खुद सुबह से करा रहे हैं, अभी तक उनका आरोप है कि कोई वहाँ देखने तक भी नहीं है। नहीं, एक्सचेंज से बात कर ली हमने, एक्सचेंज जा रहे हैं अपनी टीम के साथ और देख के तुरंत उसको विभाग से करवाएंगे, मनरेगा से उसको पूरा कराएंगे। कई बार किए लेकिन कोई हम लोगों की बात सुना नहीं। बार बार हम लोग गए चकिया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला हम लोगों का। लाचारी बस हम लोग एक काम धंधा अपना कंधा लगा करके हम लोग अपना माइनर की सफाई हम लोग महलौर से सेमरा माइनर की सफाई हम लोग कर रहे हैं। कई बार सिंचाई विभाग में दरखास्त दिए, वो कोई नहीं कार्रवाई नहीं। लगभग कितना खर्च आ रहा है, कितना चंदा आप लोग इकट्ठा किए हैं? कि 5,000 रुपया। सिंचाई विभाग के द्वारा क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? कुछ भी आश्वासन नहीं, कहते हैं कि देखा जाएगा। नरेगा से झरना प्रधान झरवाएंगे, कोई प्रधान कहता है कि नहीं, हम हमारे विभाग में है ही नहीं है। प्रधान कहता है कि मेरे विभाग में नहीं है, सिंचाई विभाग का काम है, PWD का काम है। सिंचाई विभाग के हम लोग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, सुनवाई नहीं हम लोग को लगती है। किसान है जो हम लोग को कुछ बात का आइडिया नहीं है। बताइए, मेरा नाम झारखंडे पासवान। क्या समस्या है आप लोगों? समस्या हमारी है कि हम लोग किसान गोष्ठी के माध्यम से SDM साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ, सबके यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर गए, कहीं नहीं सुनवाई हुई। थक हार करके गांव में हम लोग चंदा 150 रुपये गुलिया करके ये माइनर की JCB द्वारा सफाई कर रहे हैं और जो करीब 250-300 बीघे ज़मीन परती पड़ी हुई है गाँव की, हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं, हम लोगों की खेती एकदम पिछड़ चुकी है। हम लोग आखिरी समय में थक हार करके जो है कोई जब सहायता नहीं कहीं से मिल पाया तो 250 रुपये चंदा दे करके गुलिया करके यही काम लगाए हैं लोग। अगर चंदा फिर कम पड़ जा रहा है या फिर मांगेंगे लोगों से चल करके देंगे लोग तो फिर सहयोग से काम करेंगे हम। आप अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम श्री रमा शंकर सिंह, ग्राम सिमरा, पोस्ट साहबगंज, थाना साहबगंज, जनपद चंदौली का रहने वाला हूँ। क्या मामला है कि आज आप लोग इस तरीके से माइनर की सफाई करा रहे हैं? हम लोग सिंचाई विभाग में कई बार प्रयास किए, कोई अधिकारी हम लोगों की बात को नहीं सुना और लिहाजा इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज तक एक बांध भी नहीं गोदा गया है धरती पर, धरती एकदम सूखी पड़ी हुई है। हम किसान लोगों का 200 से 300 बीघा ज़मीन इसी तरह से परती एकदम पशु चर रहे हैं और हम लोगों की जीविका का साधन केवल खेती है। अगर हम लोगों की रोपाई नहीं होती है तो हम लोग दाना दाना के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि भाई हम लोग किसान लोग मिलकर चंदा लगाकर JCB से इसकी सफाई साफ़ सुथरा करवा देंगे ताकि टेल तक पानी चलाए। टेल तक पानी नहीं जाएगा तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे।
तो क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत किया था? जी शिकायत किया था लेकिन कोई सुना नहीं। इस माइनर की साफ सफाई होती रहती है नरेगा मनरेगा से, उस पर कुछ कहना है? नहीं, नरेगा मनरेगा से कोई सफाई नहीं होती है। कभी कभार के जबकि गेहूं का सीजन आता है तो थोड़ा सा सील्ट मार देते हैं, इसी में रह जाती है, घास पात छील कर पैसा भजा लेते हैं एक कचार। परिचय बताइए। मेरा नाम गणेश तिवारी, मैं सिमरा का निवासी हूँ, पोस्ट साहबगंज जिला चंदौली। क्या समस्या है आप लोगों? किसानों की समस्या है कि मतलब हम लोगों का पानी 300 बीघे के जमीन पर अभी तक रोपा नहीं गया है और हम लोगों की खेती पछड़ रही है। और हम लोगों ने किसान संगठन के ओर से हम लोगों दरखास्त दिया और तहसील दिवस पर दिया, डीएम साहब की भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग किसान भाइयों सहयोग से 10-20-50-50 रुपये चंदा लगाकर, 100-100 रुपये चंदा लगाकर हम लोग का नाम है कि एक नहर की सफाई जेसीबी से करा रहे हैं और हम लोगों की खेती बहुत ज़्यादा पछड़ गई है और बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके बाद चंदा भी कम हो रहा है, फिर मांगेंगे हम लोग सबके द्वारे पर जाएंगे तब न मिलेगा चंदा, और चंदा से बहुत दिक्कत है, 10-20-50 कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, बहुत दिक्कत है। इसलिए हम लोग लिहाजा जेसीबी से हम लोग झड़वा रहे हैं माइनर। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।